हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आईपीसी अर्थात भारतीय दंड संहिता की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में डिटेल से बताएंगे। यह आईपीसी सेक्शंस सभी लॉ स्टूडेंट्स, लॉ ग्रेजुएट्स, जुडिशरी एग्जाम्स के जो एस्पिरेंट्स हैं और डिफरेंट लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए यूजफुल होंगे। तो दोस्तों, ऐसी ही लॉ रिलेटेड यूजफुल वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आईपीसी की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में जान लेते हैं। तो आईपीसी अर्थात भारतीय दंड संहिता की जो हम यहाँ पर सबसे पहली आपको धारा बताने वाले हैं वो है धारा 302। दोस्तों, जो धारा 302 है मर्डर या हत्या अपराध के लिए लगाई जाती है। यह एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है और नॉन बेलेबल ऑफेंस है। दोस्तों, इस धारा के तहत दर्ज होने वाले केसेस का ट्रायल सेशन कोर्ट में होता है। धारा 302 का अपराध करने की सजा मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माना है। दूसरी जो महत्वपूर्ण धारा है वो धारा है 304B। तो दोस्तों, इसमें जो है डावरी डेथ या इसे आप कह सकते हैं दहेज मृत्यु अपराध के लिए धारा लगाई जाती है और यह एक कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है और इसका भी जो ट्रायल है वो सेशन कोर्ट में होता है। ऐसे जो केसेज होते हैं इस धारा के तहत दर्ज होने वाले, उनका जो केस चलता है वो सेशन कोर्ट में चलता है। और जो धारा 304B है, इसको अपराध करने की जो सजा है वो है कम से कम 7 वर्ष का कारावास, जो आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट धारा है दोस्तों धारा 498A। तो दोस्तों, ये जो धारा 498A है, किसी विवाहित स्त्री के प्रति क्रूरता करने के लिए दंड दिया जाता है। मीन्स ऐसा कोई केस होता है तभी जो ये धारा लगाई जाती है और ये एक कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है ये भी। और इसका जो ट्रायल है जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होता है उसकी कोर्ट में होता है। और इस धारा मीन्स जो 498A है, इसका जो पनिशमेंट है 3 साल के लिए कारावास और जुर्माना। मीन 3 साल का कारावास मिलेगा इसमें और साथ में जुर्माना भी कुछ ना कुछ लगाया जाएगा। अगली जो महत्वपूर्ण धारा है वो है धारा 307। तो दोस्तों, जो धारा 307 है वो यदि कोई हत्या करने का प्रयास करता है तभी उसके ऊपर जो है धारा 307 लगाई जाती है। और जो धारा 307 है यह भी एक कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है और इसका भी जो ट्रायल है वो सेशन कोर्ट में होता है। और दोस्तों, अगर बात करें कि इसके लिए पनिशमेंट क्या है, तो धारा 307 के अपराधियों के लिए जो पनिशमेंट है वो है आजीवन कारावास या 10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना। या तो आजीवन कारावास होगी या फिर 10 वर्ष के लिए कारावास और साथ में जुर्माना लगाया जाएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं आईपीसी सेक्शन है 365। ये जो धारा लगती है वो अपहरण के लिए लगती है, मीन्स किडनैपिंग के लिए लगती है। और जो धारा 365 है ये कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है और इसका जो ट्रायल है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है। और इसमें जो पनिशमेंट है दोस्तों, तो 7 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना है। तो दोस्तों, जो नेक्स्ट धारा है आईपीसी का सेक्शन है यहाँ पर 412 है, मीन्स 412। ये 412 जो आईपीसी सेक्शन है ये कब लगाया जाता है, जब कोई व्यक्ति चुराई हुई संपत्ति को यह जानते हुए कि वह डकैती द्वारा प्राप्त की गई है अभिप्राप्त करता, मीन्स अपने पास रख लेता है, तो ऐसी स्थिति में जो है धारा 412 लगाई जाती है। ये भी आपका कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है और इसका जो ट्रायल है वो भी सेशन कोर्ट में होता है। अब बात करें कि जो धारा 412 है इसके लिए पनिशमेंट क्या है, तो दोस्तों इसके लिए जो पनिशमेंट है आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष के लिए कठिन कारावास और जुर्माना। दो में से एक सजा होती, या तो आजीवन कारावास होती है या 10 वर्ष के लिए कठिन कारावास और जुर्माना होता है। नेक्स्ट जो सेक्शन है दोस्तों 396 है आईपीसी का सेक्शन। और ये सेक्शन कब लगाया जाता है, अगर डकैती होती, डकैती के दौरान कोई मर्डर हो जाता, हत्या हो जाती है, तो उस समय धारा 396 लगती, मीन 396 लगती है।
जब डकैती के दौरान हत्या होती है। और ये जो सेक्शन है इसके तहत ये कॉग्निजेबल और नॉन वेलेबल ऑफेंस होता है डकैती के दौरान जो हत्या है, और इसके केस का जो ट्रायल है वो भी सेशन कोर्ट के द्वारा ही किया जाता है, मीन्स सेशन कोर्ट में ही इसका ट्रायल होता है। अब बात करें अगर कि धारा 396 का पनिशमेंट क्या मिलता है यदि सिद्ध होता है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास और या फिर 10 वर्ष के लिए कठिन कारावास और साथ में जुर्माना, ये दंड है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आईपीसी सेक्शन की, तो यहाँ पर नेक्स्ट है धारा 376 मतलब 376, और ये जो ऑफेंस होता है ये आपका रेप केसेस में होता है ऑफेंस, और ये जो ऑफेंस है ये आपका कॉग्निजेबल और नॉन बिलेबल ऑफेंस है, और इसका जो ट्रायल है ऐसे केसेस का जो ट्रायल है वो भी सेशन कोर्ट में ही होता है। और दोस्तों अगर बात करें कि ऐसी धाराओं के पनिशमेंट की, तो देखिए यहाँ पर आजीवन कारावास होता है या फिर 10 वर्ष के लिए कारावास और साथ में जुर्माना होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, नेक्स्ट है आईपीसी का सेक्शन 504, और दोस्तों इसका जो ऑफेंस है, ऑफेंस क्या होता है, लोक शांति भंग करने को प्रकोपित करने के आशय से अपमान करना, और इसमें अगर बात करें तो ये नॉन कॉग्निजेबल और बेलेबल ऑफेंस है, मींस इसमें आसानी से बेल हो जाती है और गिरफ्तारी भी नहीं होती है, और इसका जो ट्रायल है किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जा सकता है। बात करें अगर पनिशमेंट की, तो 2 वर्ष के लिए कारावास या फिर जुर्माना, या फिर कारावास और जुर्माना दोनों चीज़ें मिल सकती हैं पनिशमेंट के रूप में। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, तो ये है सेक्शन आईपीसी का 323, और ये जो 323 कब लगाया जाता है, स्वेच्छया उपहत्कारित करना, मीन्स वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट केस में लगाया जाता है, और ये जो आपका ऑफेंस है वो बेलेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल है, और इसका जो ट्रायल है किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जा सकता है। अब बात करें अगर कि इसमें पनिशमेंट क्या है, तो इसमें देखिए 1 ईयर का जेल है, मीन्स एक साल का कारावास है, या फिर जो है 1,000 रुपये का फाइन है, या फिर 1,000 का फाइन और 1 साल की जेल, दोनों सजाएं हो सकती हैं। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है आईपीसी का 506। तो दोस्तों जो आईपीसी की धारा 506 है वो आपराधिक अभित्रास के लिए लगाई जाती, मतलब क्रिमिनल इंटिमिडेशन के लिए लगाई जाती है, और ये जो ऑफेंस है वो नॉन कॉग्निजेबल और बेलेबल ऑफेंस है, और इसके ऐसे केसेस का जो ट्रायल है किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जा सकता है। अब अगर बात करें यहाँ पर दोस्तों कि पनिशमेंट क्या मिलने वाला है, तो देखिए 2 वर्ष के लिए कारावास या फिर जुर्माना, या फिर कारावास और जुर्माना दोनों चीज़ें। देखिए दोस्तों अगर जो है जो यहाँ थ्रेट हो रहा है इस उपहत्कारित करने में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उस केस में जो है इसका जो ट्रायल है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं आईपीसी सेक्शन है 201, और दोस्तों ये जो 201 है मींस 201 है, किए गए अपराध के सबूत मिटाना, मींस कोई अपराध आपने किया उसके सबूत आप मिटा रहे हैं, तो सबूत मिटाने के लिए धारा लगती है 201, और ये जो ऑफेंस है वो आपका कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, यहाँ पर देखिए दोनों चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन ये निर्भर करेगा अकॉर्डिंग टू ऑफेंस, अपराध कैसा है और अपराध के जो सबूत मिटाएं वो किस स्टेटस में मिटाएं, इन दोनों चीज़ों पर निर्भर करेगा कि वो कॉग्निजेबल है या फिर नॉन कॉग्निजेबल है, दोनों हो सकता है। और देखिए ये बेलेबल ऑफेंस है, और इसका जो ट्रायल है वो सेशन कोर्ट के द्वारा होगा, और इसमें पनिशमेंट की अगर बात करें तो 7 साल का कारावास है और साथ में जुर्माना है। नेक्स्ट दोस्तों आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें बताइए, जिससे कि ऐसी वीडियोस हम और लेकर के आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।